हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ब्रिस्टर लॉ। ब्रिस्टर लॉ देखो क्या कहता है। देखो जैसे ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये है इंसिडेंट लाइट, ये होती है आपके पास रिफ्लेक्टेड और ये होती है रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, ये पता है आपको, जब भी इंसिडेंट होती है लाइट तो पूरा पार्ट उसका रिफ्रैक्ट नहीं होता, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिस्टर क्या कहता है कि ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करें हम ये लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसको हम ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करें ताकि आपको रिफ्लेक्टेड जो लाइट मिले वो कैसी मिले, कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिले। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर ये अनपोलराइज्ड लाइट है वो कैसे है, इस चीज़ को समझो। देखो इसमें डॉट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम और ये इस तरीके से लाइट है ये। ठीक है, देखो ये एक तो प्रोपेगेशन ये हो रही है इसकी, ठीक है, एक ये जो डॉट से रिप्रेजेंट करी है हमने ये कौन सी हो रही है। देखो जैसे ये पेज के आप ऊपर वाली साइड देखो और एक अंदर वाली साइड जा रही है, ठीक है, इस तरीके से ये प्रोपेगेशन हो रही है, ये बाहर और ये एक अंदर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है, जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट हमने इस तरीके से बनाई हुई है ये। ठीक, अब जब ये इंसिडेंट होती है तो देखो एक तो हो गई रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, वो कितने एंगल पे हो गई, आर एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, ये वाली जो होती है आपकी पार्शली पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका पोलराइज्ड होता है, कुछ पार्ट इसमें अनपोलराइज्ड होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पार्शली पोलराइज्ड लाइट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ जरा। और ये वाली होती है कम्प्लीटली पोलराइज्ड। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो ये डॉट डॉट आए हैं सिर्फ इधर, ठीक है, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या है इसकी वाइब्रेशन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, बाकी सब रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं जैसे हमने पहले पढ़ी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये डॉट वाली है जो मैंने आपको कहा पेज के ऊपर और अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ कन्फ्यूज ना हो जाना कहीं, देखते इसको समझो कि ये तो पोलराइज्ड लाइट ही है। ठीक है, ये डॉट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, एक ऊपर की तरफ एक अंदर की तरफ, बाकी सभी डायरेक्शन हमने इसमें नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम। तो ये आपको समझना है ये अनपोलराइज्ड लाइट है जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है ये। ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका क्या हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में होता है जिसमें आ रही होती है, तो जहां रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कैसी है आपकी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, और जो रिफ्लेक्टेड है वो कैसी है कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये ऊपर वाला हम कह देंगे ये एयर है आपके पास और ये है दूसरा मीडियम जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है हमने, म्यू दिया है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब ब्रूस्टर लॉ देखो क्या बोलता है, यही चीज बोलता है। देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल आईपी, आईपी क्या हो गया, ये इंसिडेंट एंगल होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, इस पर इंसिडेंट होती है अनपोलराइज्ड लाइट ऑन एन इंटरफेस, इंटरफेस ये है जो कि इसको सेपरेट कर रहा है रेयर और डेंसर मीडियम को। ठीक है, इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर ऑब्वियस बात है रेयर हो गया और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये इधर आपका म्यू जो लिया है हमने, ये वाला डेंसर वाला पार्ट। ठीक है, तो जो इंटरफेस है वो क्या है सेपरेट कर रहा है एयर को और जो दूसरा मीडियम है जिसका इंडेक्स कितना है म्यू है। ठीक है, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुली पोलराइज्ड। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है ये क्या हो जाए फुली पोलराइज्ड हो जाए, कब, जब म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी, मतलब ये एंगल डिपेंड करता है किस पे, इस म्यू पे, जितना म्यू होगा और ये एंगल डिपेंड करेगा किस तरीके से कि टेन ऑफ दैट एंगल, मतलब टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इक्वल होना चाहिए किसके, म्यू के। ठीक है, वही पोलराइजिंग एंगल बनेगा इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है। तो ब्रूस्टर लॉ ये कहता है म्यू इज इक्वल टू में टेन आई पी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, दिस रिलेशन रिप्रेजेंट द ब्रूस्टर लॉ। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे म्यू इज इक्वल टू में टेन आई पी कैसे आता है ये। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई है, ये इंसिडेंट लाइट थी, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड वाली पार्शियली पोलराइज्ड होगी और रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। और इसमें कंफ्यूज ना होना, ये डॉट क्या है आपके पास, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, एक ऊपर की तरफ जैसे लाइन मान लो आप और एक पेज के अंदर वाली। ठीक है, तो ये डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर रखी है यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है। एक बात और इसमें जो बड़ी मेन है वो क्या है कि इसमें जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कितना डिग्री होगा, मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल का होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पर प्रूफ करते हैं इसका। देखो अप्लाई करो स्नेल्स लॉ इस पॉइंट ए पे। देखो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। स्नेल्स लॉ देखो क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू में आपको पता है साइन आई बाय साइन आर होता है, तो साइन आई यहाँ पर कितना है आपके पास, देखो साइन आई हो जाएगा साइन आई पी। ठीक है, और साइन आर, आर की वैल्यू निकालनी है आप। देखो साइन आर में आर की वैल्यू चाहिए, तो देखो जरा ये वाली लाइन देखो, जो ये नॉर्मल वाली लाइन है आपके पास। ठीक है, इसमें ये आई पी एंगल है, ये देखो ये आई पी और ये भी आई पी क्यों है दोनों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है आपका वो इक्वल होता है इंसिडेंट एंगल के, इसलिए आई पी हो गया ये, और ये आर हो गया इधर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही है इधर, लेकिन वो किसके इक्वल हो गया, आई पी के ही, क्योंकि आपको पता होगा आई इक्वल टू आर होता है अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें। ठीक है, तो वो आर किसके इक्वल होता है, आई के, क्योंकि आपको पता है कहाँ से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर, ये वाले आर की वैल्यू चाहिए हमें, जो कि हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो ये एक नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन ही है एक तरह से हम कहें। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये आई पी प्लस में ये 90 और प्लस में ये आर
स्किप कर हो जाएगा 180 डिग्री के। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी होती है। लाइन पे, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने होंगे टोटल, उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा, आई पी प्लस में 90 प्लस में आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखो आपके पास आई पी प्लस में आर, 180 माइनस 90 दैट इज़ ये आ जाएगा 90, और ये आई पी प्लस में आर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 90 माइनस में आई पी, तो ये आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन और आर की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस में आई पी, इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, यहाँ पर दिखा आपको, देखो यहाँ पर ये तो पता चल गया आपको, आई पी प्लस में आर 90 दर्ज आ गया, तो माइनस करके ये 90 आ गया, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 90 माइनस में आई पी, और ये आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने साइन 90 माइनस आई पी। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ जरा, इक्वल टू में अगर हम देखें तो क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखो साइन आई पी और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, कोस थीटा दैट इज कोस आई पी, क्लियर। और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता भी है ये चीज़, साइन बाई कोस क्या होता है टेन, तो टेन थीटा दैट इज टेन आई पी। कितनी बात समझ में आई या नहीं, तो इस तरीके से ये आपके पास आया था म्यूजिकल टू में टेन ऑफ आई पी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई है कहानी? ठीक, और इसमें आपको पता है ये जो पोलराइजिंग एंगल होता है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, जिसको हम ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो क्या लिखी हुई है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पर, मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाए, कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाए। ठीक है, तो ये आई पी है, क्लियर, यहाँ वाला ये आई पी, तो ये ऐसा एंगल जिस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कैसी हो आपके पास, कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो। कितनी बात समझ में आई या नहीं, और म्यू इज इक्वल टू में टेन आई पी से आपको पता चल जाना चाहिए कि आई पी ऐसा एंगल हो जिसका हम टेंजेंट करें तो वो किसके इक्वल हो, म्यू पे, मतलब ये बिल्कुल ही डिपेंड करता है म्यू पे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर म्यू चेंज हो गया तो आई पी भी चेंज होगा ही होगा, क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो? तो ये जो पोलराइजिंग एंगल जिसको हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, तो हर एक मीडियम के लिए क्या होगा फिर, ये अलग ही होगा, समझ रहे हो? अगर डेंसर मीडियम आपके पास अलग है, ठीक है, तो ये एंगल्स भी अलग अलग ही आएंगे। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई या नहीं बताओ, ब्रूस्टर लॉ समझ में आ गया। ठीक है, तो म्यूजिकल में टेन आई पी याद रखना है आपको, और साथ में एक ये फॉर्मूला जो आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी आया है ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। ठीक, तो ये हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स, तब तक ये आप नोट कर लो अच्छे से। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।